Welcome back guys to another wonderful and informative video of your very own channel, जो आप लोग सभी को पता है चैनल का नेम है Made for SSC। तो लास्ट कुछ वीडियोज़ में मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन के वीडियोज़ निकाले थे, जहाँ पे बहुत लोगों का हेल्प भी हो रहा है एंड बहुत लोगों का कन्फ्यूशन भी आ रहा है कि टायर थ्री का मार्क्स कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो मैं आज इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि टायर थ्री मार्क्स कैसे अफेक्ट हो सकता है। जैसे तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, पहले वीडियो बढ़ने से पहले बता देता जाता हूँ जो बताना ही होता है कि वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मेड फॉर एसएससी का फेसबुक, इंस्टा, टेली जो लिंक्स है, सोशल हैंडल्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा है, ज़रूर जाके अपना क्वेरी पूछो। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि मैंने मेरा कट ऑफ प्रिडिक्शन में WO के लिए, JSO के लिए और अदर पोस्ट के लिए मैंने बताया था। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए भी मैंने बताया है, वो वीडियो आ रहा है। बट द थिंग इज, बहुत लोगों को लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा जाएगा, इससे भी ज़्यादा जाएगा, इससे भी ज़्यादा जाएगा, लेकिन UR का जो रेंज है, जो 2400 4600 ग्रेड पे का जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया था, उसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत लोगों को कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि कौन सी रेंज में मुझे जाना चाहिए, टायर थ्री मार्क्स कैसे इफेक्ट होगा। तो मैं धीरे धीरे बताता हूँ। देखो, WO के लिए अगर ये है मिनिमम कट ऑफ 625, इसके साथ मिनिमम 40 मार्क्स आप ऐड कर ही लो, ये टायर थ्री मार्क्स आएगा, तो इट कम्स अराउंड 665। अब जिसको 660 आप मिल रहा है, वो हैज़ अ गुड चांस ऑफ क्लियरिंग द कट ऑफ। मैं ठीक से समझा देता हूँ एक और बार। 625 अगर आपको मिला है एंड टायर थ्री में अगर आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, पकड़ लो किसी को 610 मिला है UR में और उसको 50 मिल रहा है, तो ही इज कमिंग अराउंड 660। तो 660, एनीथिंग 650 प्लस इंक्लूडिंग टायर थ्री मार्क्स इज अ वेरी गुड स्कोर। मैं 670 660 ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एनीथिंग 650 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। यहाँ पे वैसा ही एनीथिंग 590 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर, जो जॉब सिलेक्शन के स्कोर है। यहाँ पे ST में एनीथिंग 560 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर, OBC में एनीथिंग अबव 640 इज अ वेरी गुड स्कोर और EWS में अबव 650 इज अ वेरी गुड स्कोर। मतलब ये अगर आपको टायर थ्री मार्क्स इंक्लूडिंग मिल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50 मार्क्स ऐड कर लो, 625 के साथ 50 ऐड कर लो तो 665 हो रहा है, 675 हो रहा है, तब आपको नौकरी मिलेगा, नहीं। 650 प्लस अगर है UR से हो तो बहुत अच्छा चांसेस है, OBC में हो 640 प्लस है अच्छा चांसेस है, EWS 650 प्लस में हो अच्छा चांसेस है इंक्लूडिंग टायर थ्री मार्क्स, SC में 590 प्लस हो और ST में 560 प्लस हो, ये सब रेंजेस में अगर तुम बिलोंग करते हो इंक्लूडिंग टायर थ्री मार्क्स, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, तो यू हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ क्लियरिंग द WO कट ऑफ। सिमिलरली JSO में भी वैसे करके मुझे पकड़ना है, यहाँ पे 40 अगर पकड़ देता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है कितना, 620। जिसको भी 620 प्लस है वो बहुत अच्छा चांसेस है, यहाँ पे जिसको भी 580 प्लस है वो बहुत अच्छा चांसेस है, यहाँ पे जिसको भी 560 प्लस है बहुत अच्छा चांसेस है, यहाँ पे जिसको भी 640 प्लस है बहुत अच्छा चांसेस है और यहाँ पे जिसको भी 510 प्लस है बहुत अच्छा चांसेस है। मतलब ये सब मार्क्स आपको टायर थ्री का कट ऑफ लेके लाना पड़ेगा। मैंने जो वीडियो में बताया था वो टायर थ्री का कट ऑफ इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन बहुत लोगों को लग रहा है अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा तो प्लस 50 मार्क्स, मतलब 630 620 हो जा रहा है, इतना हाई जाएगा कि नहीं, उतना हाई नहीं जाएगा मुझे लगता है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 40 मार्क्स ज़्यादा ही जाएगा। तो अगर आपका टायर थ्री मार्क्स ऐड करके ये मार्क्स रेंज में आपका आ रहा है, देन यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्रैकिंग द जॉब। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो अदर पोस्ट में है। अदर पोस्ट में जो ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूजन हुआ है कि 510 के साथ कितना प्लस करें, 560 हो जाएगा, 560 अगर 2400 ग्रेड पे का कट ऑफ होगा तो 4600 का क्या, 600 प्लस होगा कट ऑफ। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कन्फ्यूजन मिटाने के लिए मैं इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि देखो, 510 प्लस फॉर UR इज वैसे ही हाई स्कोर, प्लस अगर आपको एटलीस्ट 40 मिले तो फॉर 2400 ग्रेड पे आपको एटलीस्ट 540 के ऊपर मिलना है और 4600 ग्रेड पे के आपको एटलीस्ट 560 प्लस मिलना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका टायर थ्री मार्क्स इंक्लूड करके ये मार्क्स आ रहा है इन UR, कि टायर थ्री का मार्क्स इंक्लूड करने के बाद यू आर गेटिंग 540 प्लस,
और टायर थ्री का मार्क्स इंक्लूडिंग यू आर गेटिंग 560 प्लस। अब देखो 560 प्लस में बहुत सारा 4600 ग्रेड पे नहीं मिलेगा, बेसिक लेवल का लो लेवल का मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जिसका 522 520 ऐसा करके हुआ जो पहले 500 की 400 रैंक में है, तो उनके साथ अगर 50 ऐड करें तो 570 प्लस हो जा रहा है। तो 570 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर क्लियरिंग 4600 ग्रेड पे कट ऑफ। बट यहाँ पे अगर 560 प्लस भी आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा चांसेस है कि तुम्हें 4600 ग्रेड पे मिल जाएगा, और 540 प्लस मिल रहा है तो 2400 ग्रेड पे मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर आपको 470 प्लस और यहाँ पे आपको 500 प्लस ऐसा मार्क्स आ रहा है एससी में 2400 ग्रेड पे में 470 प्लस और 4600 ग्रेड पे में 500 प्लस, देन यू हैव अ वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे भी सिमिलरली 450 एसटी के लिए 2400 और 4600 के लिए 490, अगर 450 या 490 के ऊपर मिल रहा है इंक्लूडिंग टायर थ्री मार्क्स, यू हैव वेरी गुड चांस। सिमिलरली यहाँ पे 40 मार्क्स ले लो, अगर 550 प्लस आपको मिल रहा है, 540 प्लस आपको मिल रहा है और 570 प्लस आपको मिल रहा है ओबीसी में, क्योंकि मुझे लगता है यूआर से थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाएगा ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी के में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक बार क्लियर करके और भी बता देता हूँ, अगर आपको इंक्लूडिंग टायर थ्री मार्क्स, मैं बार बार बता रहा हूँ, 540 प्लस मिल रहा है और इंक्लूडिंग टायर थ्री मार्क्स 570 प्लस मिल रहा है एंड यू बिलोंग फ्रॉम ओबीसी, तो आपका बहुत हाई चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगा। सिमिलरली इन एससी ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में 500 प्लस अगर ले रहे हो और 550 प्लस अगर ले रहे हो तो जॉब मिलना है, लेकिन मैं ये 550 नहीं बोलूँगा, 560 प्लस बोलूँगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो 500 या 560 प्लस आपको मिल रहा है इंक्लूडिंग टायर थ्री मार्क्स एंड यू बिलोंग फ्रॉम ईडब्ल्यूएस, देन यू हैव वेरी गुड चांस ऑफ क्रैकिंग अ जॉब इन सीजीएल 2021। और ईएसएम में यही चीज़ हो जाएगा 350 प्लस और 400 प्लस, फॉर डबल ओ फॉर 4600 ग्रेड पे कट ऑफ एंड फॉर 2400 ग्रेड पे कट ऑफ। नाउ एक बार मैं डिटेल में एक बार रिकैप कर देता हूँ, टायर थ्री मार्क्स इंक्लूड करके तुम्हें 650 रेंज में अगर आ रहा है ईयर फ्रॉम यूआर, 590 प्लस अगर आ रहा है एससी, 560 प्लस आ रहा है एसटी, 640 प्लस आ रहा है ओबीसी, 650 प्लस आ रहा है ईडब्ल्यूएस, तो यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ क्लियरिंग द फाइनल जॉब एंड गेटिंग अ जॉब। इन द केसेस ऑफ जेएसओ, अगर आपको 620 प्लस आ रहा है यूआर में, 580 प्लस आ रहा है एससी में, 560 प्लस आ रहा है एसटी में, 640 प्लस आ रहा है ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में 510 प्लस आ रहा है, यू हैव गुड चांसेस ऑफ क्लियरिंग द जॉब। सिमिलरली अदर पोस्ट में अगर 2400 ग्रेड पे में आपको 540 प्लस आ रहा है इंक्लूडिंग टायर थ्री मार्क्स, यू हैव अ वेरी गुड चांस एंड 560 प्लस आ रहा है तो यू हैव अ वेरी गुड चांस। सिमिलरली एससी में 470 प्लस और 500 प्लस, एसटी में 450 प्लस और 490 प्लस, ओबीसी में 540 प्लस और 570 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 500 प्लस 560 प्लस और ईएसएम में 350 प्लस और 400 प्लस, ये सब मार्क्स मैंने टायर थ्री इंक्लूड करके बोला हूँ। मैंने टायर थ्री में 40-50 लिया हूँ, लेकिन वैसे ही मैं हाई कट ऑफ दे रहा हूँ, तो हो सकता है यहाँ पे 5-10 मार्क्स का डिफरेंस हो जाए फाइनल कट ऑफ में, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इससे ऊपर मुझे नहीं लगता है कट ऑफ जाएगा। तो आई होप आई हैव मेड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अभी तक चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना। आई होप योर क्वेरीज आर मेट अप वेरी स्किलफुली एंड एक्सप्लेनेटरीली। अगर कोई भी क्वेरीज और भी रह गया है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। Happy Diwali to all of you. Milta hai next video mein guys. Until then, tara, goodbye, all the best. I hope ki iske baad CGL 2021 ka koi aur query baki nahi rahega. See you in the next video mein guys. Until then, tara, goodbye, all the best.